नमस्कार, मास्टर स्ट्रोक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ हूं मैं रूबिका लियाकत। आज सबसे पहले हम लखनऊ में हुए उस आयोजन की बात करेंगे जिसने चुनाव आयोग के दावों पर कई सारे सवाल खड़े कर दिए हैं। चुनाव आयोग ने 15 जनवरी तक किसी भी तरह से फिजिकल रैली, रथ यात्रा, बाइक यात्रा पर पाबंदी लगाई है। सिर्फ वर्चुअल रैली और घर घर जाकर प्रचार की अनुमति है। लेकिन आज अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी ने एक अनोखा तरीका निकाला। बीजेपी से आए नेताओं को समाजवादी पार्टी में शामिल करने के लिए एक बड़ा आयोजन हुआ। नाम उसे वर्चुअल रैली का और प्रेस वार्ता का दिया गया, लेकिन असल में वो एक रैली ही थी, एक शक्ति प्रदर्शन था जिसमें कोरोना गाइडलाइंस का खुलेआम उल्लंघन हो रहा था। सैकड़ों लोगों की भीड़ थी और ये सब हो रहा था उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में, जहां लगातार केसेस बढ़ रहे हैं। यूपी में सबसे ज्यादा केस लखनऊ में ही आ रहे हैं। लखनऊ हॉटस्पॉट बना हुआ है और इसीलिए आज मास्टर स्ट्रोक की कवर स्टोरी इसी पर है। लखनऊ में 12 जनवरी को कोरोना के 2181 केसेस आए थे। इसके बाद 13 जनवरी को भी सबसे ज्यादा 2213 केसेस यहीं से आए थे। आज भी यानी 14 जनवरी को सबसे ज्यादा 2209 कोरोना केसेस आए हैं इसी शहर से। बावजूद इसके लखनऊ में कोरोना नियमों का जमकर उल्लंघन हुआ है और इसीलिए आपको यह रिपोर्ट गौर से देखनी चाहिए। नो फिजिकल रैली ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज और प्रोबेबल कैंडिडेट्स और एनी अदर ग्रुप रिलेटेड टू इलेक्शन शैल बी अलाउड टिल 15th जनवरी। चुनाव आयोग ने सीधी और साफ साफ बात कही थी कि 15 जनवरी तक कोई रैली, भीड़ का जमावड़ा नहीं होगा। लेकिन बीजेपी के किले में सेंध लगाने की खुशी में समाजवादी पार्टी सारे नियम कायदे भूल गई। ये लखनऊ में समाजवादी पार्टी के दफ्तर के अंदर की तस्वीरें हैं, जहां बीजेपी से आए मंत्रियों और विधायकों को पार्टी ज्वाइन करवाने के लिए एक मिनी रैली ही कर दी गई। मंच पर लगे पोस्ट में लिखा था वर्चुअल रैली प्रेस वार्ता। मंच पर समाजवादी पार्टी के नेताओं का जमावड़ा था, साथ में बीजेपी से आए वो नेता भी थे जिन्हें ज्वाइन करना था। इस पर पूरी टूट फूट का सबसे बड़ा चेहरा स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे ही मंच पर आए, उनके साथ अखिलेश यादव भी थे। अखिलेश के चेहरे पर तो मास्क था, लेकिन मौर्य जी का मास्क नीचे खिसका हुआ था। दूसरी चुनावी कंपनियों में ज्वाइनिंग की उन्हें इतनी जल्दी थी कि वो ये भी भूल गए कि कोरोना की तीसरी लहर चल रही है। स्वामी प्रसाद मौर्य अपने समर्थकों को हाथ हिला रहे थे। मंच पर समाजवादी पार्टी के कई नेता मौजूद थे, लेकिन मास्क बहुत कम ने पहना हुआ था। थोड़ी देर बाद अखिलेश यादव ने भी मास्क उतार दिया था। इसके बाद अखिलेश यादव ने स्वामी प्रसाद और बीजेपी से आए बाकी विधायकों का हाथ पकड़ा। किसी ने भी मास्क नहीं पहना था। एक विधायक के चेहरे पर मास्क दिखा भी तो फोटो खिंचवाने के लिए उन्होंने उसे उतार दिया। फोटो खिंचवाने के बाद अखिलेश यादव ने फिर मास्क पहन लिया, लेकिन मंच पर मौजूद ज्यादातर नेताओं के चेहरों से मास्क गायब थे। आप देखिए कि अगर मंच पर मैं बात करूं, विधायकों में चौधरी अमर सिंह मास्क नहीं लगाए हैं, उनके ठीक बगल में विनय शाके जो कि पैरालाइज हैं वो मास्क में है, उसके बगल में रोशन लाल वर्मा मास्क में है लेकिन मुकेश वर्मा ने मास्क नहीं लगाया है, पूर्व मंत्री धर्म सिंह सैनी ने मास्क नहीं लगाया है, स्वामी प्रसाद मौर्य भी मास्क अपने गले पे लगा के रखे हुए हैं, उनके ठीक बगल में जो विधायक बैठे हुए हैं सफेद कपड़े में भगवती सागर, उन्होंने भी नहीं लगाया है, ब्रिजेश प्रजापति ने बाकायदा मास्क ठीक से लगाया है। तो ये विधायकों की स्थिति है जो ज्वाइन कर रहे हैं और आप देखिए कि इनमें ही ज्यादातर बिना मास्क हैं। अखिलेश यादव ने हालांकि मास्क लगा रखा है, लेकिन अगर समर्थकों की बात करें तो समर्थक बिल्कुल भी इस कोविड प्रोटोकॉल का उल्लंघन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। सामने सैकड़ों समर्थकों की भीड़ थी, उनकी लाल टोपियां बता रही हैं कि ये सब समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता थे। पार्टी दफ्तर में ही लोग बहुत दूर दूर तक बैठे हुए दिखाई दे रहे थे। मंच पे देखिए आप,
जितने भी विधायक हैं कुछ के चेहरे पर मास्क नहीं है, कुछ पे है तो उन्होंने नीचे करके रखा हुआ है, और साथ ही जो पीछे भी जो लोग बैठे हुए हैं वो सब उसी मोड में हैं। अगर कार्यकर्ताओं की भीड़ आपको दिखा सके मेरे कैमरामैन प्रेम सिंह, तो मैं कोशिश करूंगा भीड़ दिखाने की। जरा पीछे तक दिखाइए प्रेम जी की, जो हॉल है उस हॉल के पीछे किस तरीके से भीड़ बैठी हुई है, दूर तक ऊंचाई तक लोग बैठे हुए हैं, बिल्कुल सामने हमारे दिखाई दे रहा है, और यहाँ पे कोई कोविड प्रोटोकॉल नहीं है। ऐसे में जो रैली होती है जिस पर चुनाव आयोग ने रोक लगाया है वो भले रुकी हुई हो, लेकिन ये जो समाजवादी पार्टी कार्यालय के अंदर रैली हो रही है जिसमें अयोध्या प्रसाद पाल जी, वहाँ भी बड़ी तादाद में कार्यकर्ता इकट्ठा है। यहाँ भीड़ होने की बात खुद अखिलेश यादव भी स्वीकार कर रहे हैं। वो खुद कह रहे हैं कि भीड़ देखकर यूपी के सीएम डर गए हैं। हमें लगता है सरकार के लोगों को पहले ही पता लग गया था कि यहां पर स्वामी प्रसाद मौर्य जी के साथ, धर्मपाल सैनी जी के साथ, धर्म सिंह सैनी जी के साथ बड़ी संख्या में लोग आ रहे होंगे। हमारे मुख्यमंत्री पहले ही गोरखपुर चले गए, हालांकि उनकी किसी ने टिकट बुक कर रखी है। ये साफ तौर पर चुनाव आयोग के आदेशों का उल्लंघन है। चुनाव आयोग ने ये कहा था कि ऐसे उल्लंघन के लिए सीधे तौर पर डीएम जिम्मेदार माने जाएंगे। जो इसकी जिम्मेदारी दी गई है टोटली वो चीफ सेक्रेटरी और जो डीएम है जो कि एसडीएम अथॉरिटी के इंचार्ज हैं, उनको दी गई है कि अगर कोई भी उल्लंघन हुआ दे विल बी पर्सनली रिस्पॉन्सिबल फॉर इट एंड एक्शन विल बी टेकन अगेंस्ट देम आल्सो। तो क्या लखनऊ की डीएम की जिम्मेदारी तय होगी? पूरे प्रकरण का संज्ञान तत्काल लेते हुए इसमें एक कार्रवाई की गई है जिसमें आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन और साथ ही साथ कोविड 19 के नियमों का उल्लंघन पाया गया, जिसके अंतर्गत सुसंगत धाराओं में FIR दर्ज की गई है। अब उन लोगों को खोजेंगे जो इस लापरवाही के जिम्मेदार है। पहली नजर में समाजवादी पार्टी और उसके नेता तो जिम्मेदार दिख ही रहे हैं, लेकिन लखनऊ के जिला प्रशासन की भी पूरी जिम्मेदारी थी। अभी आपने बयान सुना, क्योंकि जो तस्वीर है वो ये बता रही है कि ये कोई पत्रकार वार्ता तो नहीं थी, जैसा कि पोस्टर पर लिखा हुआ था। ये साफ तौर पर शक्ति प्रदर्शन था। बीजेपी के दो मंत्री और इतने सारे विधायक जब समाजवादी पार्टी के मंच पर हो तो राजनीतिक तौर पर शक्ति दिखानी जरूरी होती है, लेकिन अगर ये कोविड प्रोटोकॉल का उल्लंघन नहीं होता तो हर जगह आज शायद उस शक्ति की बात हो रही थी। अखिलेश यादव ने शक्ति प्रदर्शन किया, लेकिन वो ये भूल गए कि कोरोना बहुत तेजी से फैल रहा है। देश में कोरोना से बहुत बुरा हाल इस वक्त आ रहा है, और इसीलिए आज की तारीख में ये सवाल बहुत लाजमी है। भारत में कोरोना की तीसरी लहर की वजह यही भीड़ है। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 2,64,202 नए मामले आए हैं। देश में एक्टिव केसेस की संख्या बढ़कर 12,72,073 हो गई है, और दैनिक पॉजिटिविटी रेट भी 14.78% पर पहुंच गई है। लेकिन लोग हैं कि तीसरी लहर को कमजोर समझ रहे हैं, जबकि शायद लोगों को पता नहीं होगा कि कोरोना की तीसरी लहर दूसरी से भी बहुत ज्यादा तेज है, और आंकड़े इस बात की पुष्टि कर रहे हैं। आंकड़े देखिए, दूसरी लहर में 7 अप्रैल 2021 को देश में कोरोना के 1,15,000 केसेस आए थे, और फिर 18 अप्रैल को 2,61,000 केसेस सामने आए थे, यानी 1,00,000 से 2,61,000 होने में 12 दिन लगे थे। अब तीसरी लहर को देखिए, 7 जनवरी को 1,17,000 केसेस सामने आए थे, और 14 जनवरी को 2,64,000 केसेस आए हैं, यानी 1,00,000 से 2,64,000 केस होने में सिर्फ 8 दिन लगे हैं। भारत में कोरोना के हालात पर संयुक्त राष्ट्र भी लगातार चेतावनी दे रहा है। संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट में ये कहा गया है कि भारत में फिर से अप्रैल और जून वाले हालात हो सकते हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत में डेल्टा वेरिएंट से दूसरी लहर में 2,40,000 लोगों की मौत हुई थी। आने वाले समय में ओमिक्रोन वेरिएंट से भी मृतकों की संख्या बढ़ सकती है, लेकिन बावजूद इसके लोग सुधर कहां रहे हैं? इस समय मैं चांदनी चौक पर मौजूद हूं, और भीड़ को काबू करने के लिए कई बार बातें बड़ी बड़ी की गई हैं, लेकिन क्या भीड़ काबू हो पाई है इसको देखने के लिए हम यहाँ पर पहुँचे हैं। मेरे पीछे आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि बाज़ार में भीड़ वैसी की वैसी जुटी हुई है, और ये सुपर स्प्रेडर भी बनने का काम कर सकते हैं जो मार्केट्स हैं, और जो वीकेंड
का कर्फ्यू लगाया गया है, साथ ही साथ नाइट लॉकडाउन लगाया गया है, उसके बावजूद भी सुधार नहीं है क्योंकि लोग अभी भी बाहर निकल रहे हैं और बिना मास्क के ही नजर आ रहे हैं। मास्क कहाँ है भैया आपका? मास्क तो नहीं है। आप लगाते हैं क्या मास्क? ओके सॉरी। मास्क क्यों नहीं लगाए भैया? देखिए किस तरह से सवालों से बच रहे हैं जो लोग मास्क नहीं लगाए हैं। ये हाल तब है जब दिल्ली में कोरोना का ये सबसे बड़ा हमला हुआ है। दूसरी लहर में 22 अप्रैल 2021 को सबसे ज्यादा 26,169 केसेस आए थे, जबकि तीसरी लहर में दो बार ये आंकड़ा पार हो गया है। 12 जनवरी को दिल्ली में 27,561 केसेस आए थे और 13 जनवरी को 28,867 केसेस आए हैं। लेकिन दिल्ली से एक महत्वपूर्ण आंकड़ा ये भी सामने आया है जो बताता है कि कोरोना की डबल डोज लेना कितना जरूरी है। दिल्ली में 9 जनवरी से 12 जनवरी तक 97 लोगों की मौत हुई, जिसमें से 89 लोग पूरी तरह से वैक्सीनेटेड नहीं थे, यानी सिर्फ 8 लोग ही ऐसे थे जिन्हें दोनों वैक्सीन लगी थी। तो कुल मिलाकर वैक्सीन हर हाल में लगानी है और कोविड नियमों का पालन करना है, भीड़ भाड़ नहीं लगानी। मकर संक्रांति है आज आप सभी को इसकी शुभकामना, लेकिन इस मौके पर प्रयागराज में माघ मेले की शुरुआत हो गई है। तमाम सवालों और आशंकाओं के बीच प्रयागराज में आज मकर संक्रांति का स्नान हुआ। आपको जानकर बहुत हैरानी होगी कि शाम 6 बजे तक लगभग 6.5 लाख लोग डुबकी लगा चुके हैं और रात 9 बजे तक जब मैं आपसे मुखातिब हो रही हूँ तो अनुमान यह है कि डुबकी लगाने वालों की संख्या 8 लाख तक जा चुकी होगी। आप सोचिए सिर्फ आज ही आज प्रयागराज में 8 लाख लोगों ने स्नान कर दिया है और अब प्रयागराज में लाखों लोग कल्पवास भी करेंगे, रोज स्नान करेंगे और इसीलिए ये सवाल उठ रहे हैं कि इस बार स्नान पर पाबंदी लगनी क्यों नहीं चाहिए थी, ऐसा क्यों नहीं हुआ। उज्जैन और हरिद्वार में पाबंदी थी, इसकी वजह से वहां मकर संक्रांति पर कोई गया ही नहीं, तो क्यों माघ मेले में ऐसा नहीं हो सकता? ऐसे ही कोरोना नियमों के तमाम उल्लंघनों के बीच संगम में लाखों लोगों ने डुबकी लगाई। देश के अलग अलग हिस्सों से लाखों लोग यहां पहुंचे थे। कोरोना की वजह से श्रद्धालुओं की संख्या में गिरावट तो आई, लेकिन बावजूद इसके लाखों की भीड़ बेपरवाह नजर आई। सरकारी अमले ने यहां के लिए गाइडलाइंस और एडवाइजरी जारी की थी, लेकिन ये सब नियम कानून सरकारी फाइलों में कैद होकर रह गए। आज पहले ही दिन लाखों की संख्या में श्रद्धालु डुबकी लगाने व पूजा अर्चना करने के लिए पहुंचे, लेकिन कोविड प्रोटोकॉल कहीं नजर नहीं आया। ना तो श्रद्धालु जागरूक व जिम्मेदार दिखे, ना ही सरकारी अमला अपनी ड्यूटी निभाते हुए नजर आया। कहा जा सकता है कि आज पहले ही दिन कोविड प्रोटोकॉल की यहाँ जमकर धज्जियां उड़ी। ऐसे में कहना गलत नहीं होगा कि आने वाले दिनों में आस्था का ये मेला कोरोना का सुपर स्प्रेडर साबित हो सकता है। लेकिन इन सब के बावजूद प्रशासन सब कुछ ठीक होने का दावा कर रहा है, हालांकि अधिकारियों के दावे ग्राउंड जीरो पर पुख्ता तो नजर नहीं आ रहे। मान है मेरा कि अब तक 2 से 3 लाख के आसपास लोग जो है वो स्नान कर चुके हैं। हम लोगों की तरफ से व्यापक व्यवस्थाएं की गई हैं, चाहे वो सुरक्षा की दृष्टि से हो, चाहे वो कोविड प्रोटोकॉल की दृष्टि से हो। जो हमारे 16 एंट्री गेट हैं उन पे सब पे चेकिंग की व्यवस्था की जा रही है। घाटों पे आपने देखा होगा कोविड हेल्प डेस्क लगाई गई है। निरंतर जो पब्लिक एड्रेस सिस्टम है उससे हम लोग सबको जागरूक कर रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग के साथ संयुक्त टीमें सारे मेले क्षेत्र के जो 16 प्रवेश द्वार हैं वहाँ पर स्क्रीनिंग कर रही हैं, लगातार प्रातःकाल से स्क्रीनिंग हो रही है
और वो थर्मल स्क्रीनिंग के साथ साथ सिम्टम बेस्ड जो है वो टेस्टिंग की भी व्यवस्थाएं इन प्रवेश द्वारों पर की गई हैं। पब्लिक एड्रेस सिस्टम के माध्यम से हम सारे श्रद्धालुओं से लगातार अनुरोध कर रहे हैं कि कोविड प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन करें, कड़ाई से पालन करें, मास्क अवश्य धारण करें। फिर भी अगर कतिपय श्रद्धालु जो है अगर कोविड प्रोटोकॉल का पालन नहीं करते पाए जा रहे हैं तो उनके विरुद्ध हम प्रवर्तन की कार्रवाई भी अमल में ला रहे हैं। सवाल ये है कि वाकई ये जो कुछ कह रहे हैं एसपी साहब, ये सही है या सिर्फ कागजों में है, क्योंकि वहां ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है। यूपी में खतरे के मेले के बाद अब राजस्थान में दहशत की रिपोर्ट भी तो दिखानी जरूरी है। अलवर में एक नाबालिग के साथ हैवानियत हुई, पुलिस का ढुलमुल रवैया साफ तौर पर दिखा, अब राजनीति का उसने पिटारा खोल दिया है। राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, इसीलिए अलवर कांड को लेकर बीजेपी ने कांग्रेस पर हमला बोला है। राजस्थान से लेकर दिल्ली तक अलवर कांड पर कांग्रेस घिरती हुई नजर आ रही है, लेकिन इस घेराबंदी के निशाने पर यूपी का चुनाव भी है। बीजेपी अलवर कांड से उत्तर प्रदेश में प्रियंका के प्रचार के धार पर वार कर रही है, और वो कैसे आप इस रिपोर्ट से समझिए। वो लड़की के साथ इतनी बुरी घटना की गई है, ऐसे बोली बस मम्मी, मेरी बहन भी रोने लगी, बेटी आपके साथ क्या हो गया। ये घटनाक्रम बहुत देर रात का नहीं है, मंगलवार की रात करीब 8 बजे के आसपास का बताया जा रहा है, जब लड़की यहाँ पर पुलिस को मिली, स्थानीय लोगों को मिली। उसका कम से कम कह रहे हैं कि 3 महीने तक तो छुट्टी भी नहीं मिलेगी, इतनी बुरी हालत है लड़की। ये दर्द की तस्वीरें और इंसाफ की गुहार है। राजस्थान की गहलोत सरकार से, जिनकी पुलिस सीसीटीवी होने के बावजूद अलवर में मासूम से हैवानियत करने वाले दरिंदों तक पहुंच नहीं पाती है। और जिस जगह पर ये घटनाक्रम हुई वहां पर इस वक्त हम मौजूद हैं। ये तिजारा फाटक पुलिया है अलवर की, जहां पर ये चलता फिरता रोड है, हाईवे है, जहां पर मंगलवार की रात में एक नाबालिग बच्ची लहूलुहान अवस्था में मिली। और जिस जगह पर ये सब कुछ हुआ वहां पर फोरेंसिक की टीम ने पहुंचकर इस जगह को मार्क किया है, क्योंकि खून के निशान यहां मिले और कुछ लहूलुहान अवस्था में बच्ची यहां पर पुलिस वालों को मिली। सवाल कई सारे उठते हैं और उन सवालों के जवाब अब तक पुलिस तलाशने की कोशिश में जुटी हुई है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि 60 घंटे बीत जाने के बाद भी पुलिस के हाथ खाली है, इस मामले में अब तक एक भी गिरफ्तारी आखिरकार क्यों नहीं हुई। राजस्थान पुलिस की नाकामी के बाद अब अलवर कांड पर बीजेपी ने कांग्रेस पर हमला बोल दिया है, अलवर से लेकर दिल्ली तक इसके खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। वजह तो यही है कि अब तक गिरफ्तारी नहीं हुई, मेडिकल रिपोर्ट में इतनी देरी नहीं होनी चाहिए। वही है कि जो एक गंभीर मुद्दा है उसको दबाना चाहते हैं, पर्दा डालना चाहते हैं, छुपाना चाहते हैं, क्योंकि राष्ट्रीय स्तर पर गहलोत साहब की बड़ी बदनामी है। अलवर में बीजेपी के स्थानीय नेताओं ने मोर्चा खोला तो दिल्ली से बीजेपी ने प्रियंका गांधी पर हमला बोला और निशाना उत्तर प्रदेश चुनाव भी था। उत्तर प्रदेश में जाकर आप कहती हैं कि लड़की हूं लड़ सकती हूं, किंतु राजस्थान में लड़की हूं तो लड़ना मना है। किन हाथों के लोग में कांग्रेस की राजनीति है आप जानते हैं। जब अलवर में इस प्रकार की विभत्स घटना घट रही थी, प्रियंका वाड्रा वहीं मौजूद थी। प्रियंका जी का जन्मदिन था, वो अपने पति श्री वाड्रा जी के साथ रणथंबोर की जंगलों में मौजूद थी। अलवर कांड की गूंज दिल्ली तक पहुंच चुकी है, सोशल मीडिया पर इस कांड को लेकर गुस्सा साफ दिख रहा है। पीड़ित परिवार लगातार इंसाफ की मांग कर रहा है, लेकिन पुलिस के पास सुराग है, सीसीटीवी है, लेकिन मुजरिम नहीं। और दलील ये कि अभी दुष्कर्म की रिपोर्ट नहीं आई है। परिवार ये हम तो यही चाह रहे हैं कि हमारे को जल्दी से जल्दी अपराधी को पकड़ के दिया जाए, नहीं तो हम तो पता नहीं हम भी फिर अपनी कार्रवाई खुद शुरू करने लगेंगे। अब तक हमारे को कोई सुराग नहीं मिल रहा, हमारे को तो अन्याय चाहिए, बिल्कुल अभी के अभी चाहिए। FIR इनके जो चाचा जी हैं उन्होंने उनकी तरफ से रिलेटिव्स की तरफ से है, जिसमें उन्होंने ये बताया कि वो लापता हुई थी,
और ढूंढते ढूंढते फिर यहाँ हॉस्पिटल में सूचना मिली और जिसके साथ कोई गलत काम होने की आशंका है। इस मामले पर तेज हुई राजनीति के बाद राजस्थान सरकार बैकफुट पर है। बीजेपी सीबीआई जांच की मांग कर रही है, लेकिन गहलोत सरकार ने एसआईटी को जांच की जिम्मेदारी दी है। एसआईटी बना दी सरकार ने और निश्चित रूप से जो भी दरिंदे हैं वो गिरफ्तार होने चाहिए, बहुत जल्दी उनकी गिरफ्तारी होगी ऐसी संभावना है। बेटी यूपी की हो या राजस्थान की, बेटियों के साथ हैवानियत करने वालों को सजा मिलनी ही चाहिए। अलवर की बेटी को इंसाफ दिलाने की जिम्मेदारी गहलोत सरकार की है। इंसाफ का इंतजार जितना लंबा होगा, यूपी में महिला सशक्तिकरण का अभियान चलाने वाली प्रियंका गांधी के लिए अलवर से उठ रहे सवालों का जवाब देना उतना ही मुश्किल होगा। और आपको बता दूं, इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, ये जानकारी आपको मैं दे देना चाहती हूं कि जो रिपोर्ट थी वो उस बच्ची को लेकर आ गई है। अलवर में नाबालिग के रेप की पुष्टि मेडिकल रिपोर्ट में नहीं हुई है, मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट में रेप की पुष्टि नहीं हुई है। अलवर नाबालिग केस में नया मोड़ आ गया है, मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट में रेप की पुष्टि नहीं है। पुलिस बच्ची को चोट कैसे लगी है इसकी अब जांच कर रही है। मेरे सहयोगी मनीष शर्मा वहां राजस्थान से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जरा उनका रुख करते हैं। मनीष, क्या कह रही है ये रिपोर्ट? जी बिल्कुल रूबिका, जिस बात का अंदेशा हम लगातार एबीपी न्यूज पर कल से जता रहे थे आखिरकार वही हुआ, क्योंकि जिस तरीके से सीसीटीवी की जो अब तक प्रारंभिक जांच हुई थी उसमें ये बात बिल्कुल साफ हो चुकी थी कि बच्ची अपने घर से 15 से 16 किलोमीटर की जो दूरी तय की थी वो उसने अकेले तय की थी। और कई अलग अलग जगहों के सीसीटीवी फुटेज को जब पुलिस ने देखा तो उसमें जो टाइमिंग आ रही थी वो लगातार इस बात की ओर संकेत कर रही थी कि बच्ची के साथ किसी भी प्रकार का दुष्कर्म कम से कम उस समय अवधि में नहीं हुआ। और इसी मुद्दे को लेकर के जब हमने जेके लॉन अस्पताल के सुपरिटेंडेंट डॉक्टर अरविंद शुक्ला से बात की तो उनका भी यही कहना था कि चोट लगी है, घाव बहुत गहरा है, लेकिन प्रारंभिक तौर पर रेप होना नहीं पाया गया। तो इन तमाम बातों से एक बात बिल्कुल साफ हो चुकी है, चूंकि ये बच्ची मानसिक रूप से थोड़ी सी विमंडित है, बोल नहीं पाती, सुन नहीं पाती, ऐसे में अब पुलिस जब उससे पूछताछ करेगी, संकेत के जरिए उसकी बात को समझने की कोशिश करेगी, उसके माता पिता के सहयोग से उसकी बात को समझा जाएगा, तब इस बात का और खुलासा हो पाएगा। लेकिन ये बात तय है कि जिस प्रकार का ट्रायमा फेसी एविडेंस पुलिस के पास था उससे ये बात बिल्कुल तय है कि बच्ची के साथ फिलहाल दुष्कर्म जैसी कोई बात पुलिस नहीं मान रही। जी, और अब ये पता कैसे लगाया जाएगा? मनीष, आप ये कह रहे हैं कि एक तो सीसीटीवी फुटेज है उसको आपने देख लिया, मेडिकल जांच हुई उसकी रिपोर्ट भी ये बता रही है कि बच्ची के साथ पुष्टि नहीं हुई है, तो फिर ये चोट लगी कैसे, ये पता कैसे लगेगा? क्योंकि सीसीटीवी में आप कह रहे हैं बच्ची अकेले जाते हुए दिख रही है, वो किसी के साथ नहीं है, कहीं तो ऐसा कुछ हादसा हुआ होगा जहां पर रिकॉर्ड हुआ होगा वो, या कोई चश्मदीद होगा। जी बिल्कुल रुबिका, आपने बहुत महत्वपूर्ण बात कही है और उसी को पुलिस ने कड़ियों से कड़ी मिलाकर के जोड़ा है। जैसे उदाहरण के तौर पर मैं ये बताना चाहूंगा, बाल वाहिनी एक ट्रांसपोर्ट का सिस्टम है अलवर में जिसमें एक गाड़ी का इस्तेमाल किया जाता है लोगों को लाने ले जाने में, बच्ची उस वाहिनी में चढ़ती भी दिखी है। पुलिस ने उसके ड्राइवर के बयान लिए, ड्राइवर ने भी ये माना कि बच्ची अकेली थी, उसी वाहिनी से वो उतरी। सबसे बड़ा सवाल ये है कि वो अकेली बच्ची जिसकी उम्र महज 15-16 साल है और जो मानसिक रूप से थोड़ी सी परेशान थी। जी बहुत बहुत शुक्रिया मनीष तमाम जानकारी के लिए, आगे भी आपका रुख करेंगे क्योंकि ये बच्ची का, ये हिंदुस्तान की बच्चियों का मामला है। कोई भी राज्य हो, अगर बच्ची के साथ दुष्कर्म हो रहा है या कुछ गड़बड़ी हो रही है तो वो जग जाहिर होना जरूरी है और दोषियों का सलाखों के पीछे जाना जरूरी है। यूपी के चढ़ते चुनावी पारे पर ब्रेक नहीं लगा पा रही है। आज अखिलेश यादव ने बीजेपी के ब्रेक ऑफ करके आए स्वामी प्रसाद मौर्य को अपनी साइकिल पर बैठा लिया। उनके साथ योगी सरकार में मंत्री रहे धर्म सिंह सैनी और बीजेपी खेमे के 6 विधायक भी साइकिल पर सवार हो गए। अखिलेश इसे अपना मास्टर स्ट्रोक मान रहे हैं क्योंकि इस टीम के जरिए वो बीजेपी के उस वोट बैंक में सेंध लगा रहे हैं जिसके दम पर बीजेपी यूपी में तीसरी मर्तबा चुनावी हैट्रिक की तैयारी कर रही है। कुछ दिन पहले ही सीएम योगी आदित्यनाथ ने ये कहा था कि ये चुनाव 80-20 का है, अब अखिलेश इसे 85-15 करने में लगे हुए हैं और यूपी की जीत भी इन्हीं दो फॉर्मूलों में छुपी हुई है। अब ये फॉर्मूले हैं क्या, कैसे इसके लिए दाव और पेच चले जा रहे हैं, समझने के लिए हमारे संवाददाता पंकज झा, रणवीर और अजय दुबे की इन डेप्थ रिपोर्ट आप देखिए।
ये है समाजवादी कॉन्फिडेंस। और हो भी क्यों ना, चुनाव के चरम पर सरकार के दो मंत्री और 6 विधायकों को अपने मंच पर देखकर किसी भी विपक्षी पार्टी का कॉन्फिडेंस आसमान पर तो चला ही जाएगा। ये कॉन्फिडेंस इसलिए भी है क्योंकि अखिलेश को लगता है कि उन्हें जीत का तिलस्मी दरवाजा खोलने का मंत्र मिल गया है और उस मंत्र का मंत्रोच्चार भी आज मंच पर जमकर हुआ। वो जानते होंगे कि लगातार विकेट गिर रहे थे उधर पर, हालांकि हमारे बाबा मुख्यमंत्री क्रिकेट खेलना नहीं जानते। अगर वो क्रिकेट भी जानते होते अब तो उनसे कैच छूट गया। आप कहते हो, नारा दे रहे हैं 80 और 20 का, और मैं ये कहता हूं 80-20 नहीं, अब तो होगा 15 और 85 का। 85 तो हमारा है, 15 में भी बंटवारा है। इस 80-20 और 85-15 के फॉर्मूले को ही यूपी में जीत का मंत्र माना जा रहा है। अब किसका फॉर्मूला फिट हुआ ये तो 10 मार्च को पता लग ही जाएगा, लेकिन इसी फॉर्मूले को फिट करने की जुगत में अखिलेश ने स्वामी प्रसाद मौर्य और उनकी टीम को लाल पगड़ी पहनाई है और इसीलिए फॉर्मूले को समझ लीजिए। 80-20 के फॉर्मूले के मुताबिक 80% हिंदू वोट और 20% मुस्लिम वोट, और 85-15 का फॉर्मूला कहता है 85% पिछड़ी जातियां जिसमें OBC और SC/ST शामिल है, साथ में मुस्लिम भी, और 15% अगड़ी जातियां। बीजेपी 80-20 के फॉर्मूले से यूपी की लड़ाई को आगे बढ़ाना चाहती है और अखिलेश 85-15 का फॉर्मूला फिट कर जीत का सहरा पहनने की कोशिश में है। चुनाव 80-20 का होगा, 80% समर्थन एक तरफ होगा, 20% दूसरी तरफ होगा, और मुझे लगता 80% सकारात्मक ऊर्जा के साथ आगे बढ़ेंगे। 20% हमेशा विरोध किए हैं, विरोध करेंगे, लेकिन सत्ता बीजेपी की आएगी। ये जो 80 और 20 की बात कर रहे हैं, 80% लोग तो समाजवादी पार्टी के साथ समर्थन में खड़े ही हो गए थे, और जिन जिन लोगों ने आज मंच को देखा होगा, इस मैदान को देखा होगा और स्वामी प्रसाद मौर्य जी की बात सुनी होगी, 20% भी उनके खिलाफ हो गए होंगे। तो अब भारतीय जनता पार्टी का सफाया होना तय है। दरअसल बीजेपी यूपी में हिंदुत्व का कार्ड चलाना चाहती है, वहीं अखिलेश यादव पिछड़ी जातियों का कार्ड चलाने में जुटे हुए हैं। माना जाता है कि यूपी में भी यादव पहले से ही अखिलेश यादव के साथ है, ऐसे में अब अखिलेश यादव स्वामी प्रसाद मौर्य के दम पर नॉन यादव OBC को अपने खेमे में लाने में जुटे हुए हैं। इसी वजह से लाल टोपी पहनाने वाले मंच पर यह संदेश देने की कोशिश की गई कि भारतीय जनता पार्टी अगड़ों की पार्टी है। बीजेपी भी अखिलेश की रणनीति से बेखबर नहीं है, इसीलिए वो लगातार अखिलेश के जाति कार्ड को अपने ट्रम्प कार्ड से काटने की जुगत में है। ये भारतीय जनता पार्टी केशव प्रसाद मौर्य और स्वामी प्रसाद मौर्य का नाम उछालकर पिछड़ों के बलबूते पर सरकार बनाई थी, चर्चा किया था मुख्यमंत्री होंगे या तो केशव प्रसाद मौर्य या तो स्वामी प्रसाद मौर्य, सरकार बनावाए दलित और पिछड़े, और मलाई खामे वो लोग अगड़े 5% लोग। ये षड्यंत्र किया जा रहा है, ओबीसी और दलितों को गुमराह करने का प्रयास है, मगर वो होंगे नहीं, और उसका कारण बता देता हूं। इस देश के अंदर सबसे बड़े ओबीसी कोई नेता है तो उनका नाम है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। हालांकि अखिलेश और स्वामी की डील पुरानी थी, लेकिन अब जब इससे पर्दा पूरी तरह उठ गया है, अखिलेश का कॉन्फिडेंस भी 7वें आसमान पर है। स्वामी प्रसाद मौर्य जी का बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि जिस तरह वो चल देते हैं सरकार उन्हीं की बन जाती है। सरकार के लोगों को पहले ही पता लग गया था कि यहां पर स्वामी प्रसाद मौर्य जी के साथ
बड़ी संख्या में लोग आ रहे होंगे। हमारे मुख्यमंत्री पहले ही गोरखपुर चले गए, वो 11 तारीख की टिकट थी, लेकिन आप लोगों के आ जाने से आज ही वो गोरखपुर चले गए। ये जो उत्तर प्रदेश के बाबा मुख्यमंत्री हैं, फेल हो चुके हैं। कितने भी दिल्ली वाले आए, अब ये पास होने वाले नहीं है। योगी सरकार के मंत्री और विधायकों को अपने साथ लाने के बाद अखिलेश खुद को सत्ता की कुर्सी के बेहद नजदीक मान रहे हैं, लेकिन ये भी सच है कि सियासत में नेता अपना नफा नुकसान तौल कर ही फैसला लेते हैं, और यही कारण है कि अखिलेश को अपने बढ़ते कुंबे को संभालना बेहद मुश्किल होगा। देखिए, सेंधमारी अखिलेश के लिए फायदे का सौदा रही या नुकसान का सौदा, ये तो 10 मार्च को पता लगेगा, लेकिन अभी इससे उनकी कई चुनौतियां बढ़ जाती है। जैसा अभी आप अजय दुबे को सुन रहे थे, अखिलेश ने जिन विधायकों को शामिल किया है उनका टिकट बंटवारा कैसे होगा, क्योंकि जिस सीट से उन्हें टिकट दिया जाएगा वहां मौजूदा दावेदार को मनाना या बगावत से निपटना बड़ी चुनौती है। अखिलेश के खेमे में उनके सीधी प्रतिद्वंदी बीजेपी के खेमे से लोग आए हुए हैं, उनके साथ कार्यकर्ता सामंजस्य कैसे बनाएंगे, ये भी एक बड़ा सवाल है। हालांकि भारतीय राजनीति में दल बदल का इतिहास पुराना है, लेकिन पश्चिम बंगाल के चुनाव में हमने देखा कि ये जीत की गारंटी तो नहीं है, और अखिलेश ये बात जानते हैं। अब अखिलेश ये संदेश देना चाह रहे हैं कि बीजेपी ओबीसी के खिलाफ है और बीजेपी इससे परेशान जरूर है। शायद यही वजह है कि आज सीएम योगी से जब इस्तीफा देने वाले विधायकों के बारे में पूछा गया तो वो कुछ ऐसा कह गए जो अखिलेश के लिए हथियार बन सकता है। जी, विपक्ष आप पे दलित विरोधी होने का आरोप लगा रहा है, और खास करके वो लोग जो आज पार्टी छोड़ के जा रहे हैं, वंशवाद और परिवारवाद की राजनीति करने वाले सामाजिक न्याय के समर्थक नहीं हो सकते। भ्रष्टाचार जिनके जीन्स का हिस्सा हो वे सामाजिक न्याय की लड़ाई नहीं लड़ सकते। योगी के इस बयान से विपक्ष को पार्टी पर हमले का मौका मिल सकता है और इससे चुनावी नुकसान होने का डर है, इसीलिए अब बीजेपी ने एक नई रणनीति पर काम शुरू किया है। बीजेपी ने फैसला किया है कि पार्टी छोड़ने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य और दारा सिंह चौहान जैसे नेताओं के खिलाफ अब कोई भी बयान नहीं देगा, इनके खिलाफ कोई बात नहीं कही जाएगी। हाँ, अखिलेश यादव पर हमला जारी रहेगा और उन्हें पिछड़ा विरोधी बताया जाता रहेगा ताकि अखिलेश यादव और उनकी पार्टी को पलटवार का मौका ना मिल सके। इसके साथ ही अब बीजेपी ओबीसी को लेकर अखिलेश पर हमले से ज्यादा ये बताने की कोशिश करेगी कि वो कैसे पिछड़ा वर्ग की सबसे बड़ी हितैषी है। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह दोनों ही ओबीसी समाज से आते हैं, इसीलिए अब इनकी अगुवाई में बीजेपी अखिलेश के अटैक को कुंद करने की पुरजोर कोशिश करेगी। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।